फेसबुक के बारे में सबको पता है कि वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं। इस फ्रेंड्स सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पे आपने कभी ना कभी एक फेसबुक पेज भी बनाया होगा, बट उस फेसबुक पेज पे आप वर्क नहीं करते और वो ऐसे ही तैसे पड़ा हुआ है, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल से मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक को ओपन कर देता हूँ। फेसबुक को ओपन करने के साथ राइट साइड में 3 लाइन है, यहाँ पे टैप कर लेना है। आपको यहाँ पे पेज शो हो जाएगी, अगर शो नहीं होते तो पेजेस वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पेज आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक पेज को डिलीट करने वाला हूँ, वो भी परमानेंटली। तो कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल से टैप करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के साथ यहाँ पे देखिए टॉप राइट में एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे टैप करके यहाँ पे जनरल सेटिंग में चला जाता हूँ। जनरल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ फ्रेंड्स। स्क्रॉल डाउन करने के साथ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रिमूव पेज, यहाँ पे लिखा है कि परमानेंटली आपका पेज रिमूव हो जाएगा 14 डेज में अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया। तो यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए सिंपल से मैं टैप कर लेता हूँ डिलीट पेज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पेज परमानेंटली डिलीट हो चुका है। बट फ्रेंड्स ये हमें कुछ टाइम देता है, यानी कि 14 डेज। अगर कुछ कारण के की वजह से हम इस पेज को दोबारा लाना चाहते हैं, दोबारा रिट्राइव करना चाहते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें 14 डेज देता है। बट फ्रेंड्स 14 डेज में हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन से राज्य, कौन से ज़िले और कौन से गाँव से ये वीडियो को देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि उस राज्य में मेरा व्यूअर्स है और मेरे वीडियो को पसंद करता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।